थैंक यू अमित भाई। यस अरे यार ओए हम लोग अपना अपना लॉन्डो का इंटरव्यू लेते हैं। यस चलो ले तू ले अपना इंट्रोडक्शन दो सोल ओमेगा लाउडे। मैंने उसके मन की बात बोल दी वो उसके दिल में थी वो बोलना नहीं चाहता। भाई तो कह रहा है इस एमवीपी से बात करेंगे। एमवीपी से पहले एमवीपी जरा इधर आओ। बहुत ज्यादा हम्बल अच्छा एक चीज जनता जानना चाहती है आप एक दो मैच मिस किए थे आपने जब मॉडर्न खेला था। हाँ हो सकता है वो दो मैच आप खेलते तो आप एमवीपी लिस्ट में टॉप पे आ जाते। तो आप क्या कहना चाहोगे क्या ऐसा आपको इम्पोर्टेंट काम आ गया था। तो खाना तो हम मंगा देते तो अभी कैसा लग रहा है आजकल ये हर लिस्ट में टॉप एमवीपी लिस्ट में आने का कैसा फील हो रहा है। लास्ट एक साल फर्स्ट आऊंगा तब देखते बहुत अच्छा जो अच्छा अच्छा और कोई सवाल और तुम दोनों कुछ खाते वाते नहीं हो क्या एक बार खड़े रहो दोनों लाइन में। ये हुआ था हाँ एक्टर जी आपने नेड की खूबी बताई है आप आज जैसे तुमने जो नेड एसजी पे नेड मारे एसजी के नेड बैटल चल रहा था टीम में एक वो मार रहा था एक तू मार रहा था उसके सारे हग रहे थे तेरे सारे लग रहे थे। ऑडियो नहीं आ रही थी ना पांच छह बार ट्राई किया पर हुआ नहीं तो फिर कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे हमें इनकी ऑडियो आ रही है पर हमारी चमक रही है। ओह अच्छा ऐसे ड्यूल से ही चमक रहा था वो वाला इसकी टीम आना चाहिए। हाँ तो मजा आ जाता है। हाँ हेक्टर आपके नेड का जो राज है वो हमको बताइए आप क्या स्पेशल ईयरफोन यूज करते कुछ ऐसा यूज करते या आपने कान को रोज साफ करते जिससे आपको साउंड परफेक्ट है क्या यूज करते। गोल्डन नेड नया नाम पड़ रहा है शुरू में गोल्डन हैंड थोड़ा सा नया टाइटल आ रहा है नहीं नहीं टिप्स एंड ट्रिक्स दो यहाँ पर इतने ओ एक स्टेप आगे सोचते हो आप तो मतलब वो जाने वाला जाप नहीं मैंने नहीं सिखाया ये इसका ही है। आईजल साहब अभी बताइए थोड़ा रोटेशन लीग मत करना उसके अलावा बताइए वन्ना आके कैसा लग रहा है। अच्छा जहाँ यहाँ मैटर नहीं करता था क्या नहीं मैटर करता था बट सब कुछ यहाँ दिखा दिया था फिर वहाँ बचेगा। सही बात है कुछ छुपा के